देव संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन समिति जिला मंडी के सदस्यों ने जिलाधीश मंडी को एक ज्ञापन सौंपा और समिति की मांगों से अवगत करवाया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर समिति सदस्यों के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्होंने जिलाधीश मंडी को एक ज्ञापन सौंपा है। आज देव संस्कृति संरक्षण व संवर्धन समिति की ओर से हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देकर शिवरात्रि को लेकर देव संस्थाओं की कुछ कठिनाइयों के बारे में अवगत करवाया और कुछ बातों को लेकर आग्रह किया, जिसमें मुख्य बिंदु हमारे सरकार की दिशा निर्देश अनुसार जो गाइडलाइन आई है उसको लेकर थे। पहला बिंदु तो हमारा ये रहा कि सरकार ने आदेश किया है कि कम से कम देवता के साथ लोग आएँ। इस बारे में हमने आग्रह किया जिलाधीश महोदय से कि देव नियम के अनुसार ये प्रथा है कि जब देवता अपने भंडार से चलता है तो हर घर से एक सदस्य को देवता की सेवा में अवश्य चलना होता है, अन्यथा देव प्रकोप के भय से लोग त्रस्त रहते हैं। अतः देव कमेटियों को न्यूनतम जो देवता देवलों की संख्या है उसको निश्चित करना कठिन है। दूसरा आग्रह हमने सामाजिक दूरी को लेकर जिलाधीश महोदय से किया कि जो सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मेले में संभव नहीं है, क्योंकि एक कमरे में 50-50, 60-60 आदमियों को रहना होता तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने आग्रह किया कि जब कोविड की वैक्सीन आ गई है तो ये दोनों आदेश जो एक तुरंत हटा दिए जाए। तीसरा बिंदु हमारी संस्था का ये रहा कि हमारे शिवरात्रि मेले में कुछ देवता रजिस्टर्ड हैं और बहुत सारे अनरजिस्टर्ड भी हैं, कुछ व्यक्तिगत देवता भी हैं जिनकी एक एक ही मालिक है, एक व्यक्ति का ही देवता है। तो हमने सरकार से आग्रह किया कि प्रशासन के पास भी इसकी जानकारी रहनी चाहिए और हमें भी मालूम होना चाहिए कि कितने पंजीकृत हैं और कितने पंजीकृत नहीं हैं। चौथा विषय, मैं प्राचीन मंदिर कमेटी का प्रधान भी रहा हूँ, चौथा विषय हम शिवरात्रि को लेकर कुछ चिंतन और चिंता भी हमने की। मैं एक ऐसे स्थान से संबंध रखता हूँ जहाँ लगभग 30-40 देवता सुनोर बदारू प्रसाद की पंचायतों के पराशर में साल भर में आते और जाते हैं। उन देवताओं की अपनी वहाँ भूमिका है पराशर में और अपनी उनकी, जिसे हम दूसरे शब्द में ड्यूटीज़ कहें, उसके अनुसार वो आते हैं, अपने खर्चे से आते हैं और अपने खर्चा करके अपनी सेवा देकर पराशर ऋषि का आशीर्वाद लेकर वापिस जाते हैं। शिवरात्रि का जो स्वरूप दिन प्रतिदिन बन रहा है उसमें हमें चिंता हो रही है। इनविटेशन देके, निमंत्रण पत्र भेज के देवताओं को और लोगों को बुलाया जा रहा है, फिर उनको मानदेय देवताओं को, फिर उसके बाद खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, यानी कि पैसा देके इस मेले को मनाने के स्वरूप सामने आ रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये देवता लोगों का अपना मेला नहीं, सरकार व प्रशासन का मेला बन गया है। और यहाँ मुख्य रूप से जो संस्था देव संस्कृति के लिए काम कर रही है, शिवरात्रि के लिए काम कर रही है, वो भी मुझे लगा कि वो देव समाज की चिंता कम करके प्रशासन का अधिक ध्यान, प्रशासन के आदेश, प्रशासन के आदेशों का अनुपालन और प्रशासन की जो कठिनाइयां हैं उनका निराकरण के लिए वो संस्था काम कर रही है। लगभग 8-10 बैठकें उन्होंने अलग अलग विषयों को लेकर की। एक बार उन्होंने नशा मुक्ति के लिए देव समाज को बुलाया, दूसरी बार इनसे बुलाया, अभी कुछ दिन पहले की बैठक बुलाई, उसमें केवल इतना बताया गया कि आप जो है मास्क पहन के नहीं आएंगे तो आपको सजा होगी। उनके लिए 50-100 किलोमीटर से बुलाए जा रहे हैं और फिर उनको भेजा जाता वापस। तो ये भी एक मुझे अच्छा नहीं लग रहा देव समाज के लिए कि देव समाज एक प्रकार से टूल के रूप में ये सर्व देवता समिति जो प्रयोग कर रही है, जबकि उसके पीछे ये प्रशासन का काम कर रही है। मैं अध्यक्ष देव संस्कृति संरक्षण संवर्धन समिति जिला मंडी। आज हम, जैसा कि हमारे ठाकुर साहब ने आपको संक्षिप्त में जो बातें बताई जिसमें हम गए हैं, बाकी हम अपनी समिति की तरफ से जो हमारे मंडी रियासत के आखिरी राजा रहे, राजा अशोक पाल सेन जी, उनके
देहांत के ऊपर हम अपनी समिति की ओर से गहरा शोक व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। बाकी जो हमने देवताओं के जो नए देवता हमारे पड्डल मैदान में हर साल जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, हम उनको लेकर थोड़ा जिलाधीश महोदय से हमने उसका ब्यौरा मांगा है ताकि उनके ऊपर कोई उचित प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाए।